हेलो एवरीवन, मैं हूं फिरदौस शेख। हाउ टू कुक दिस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस रमज़ान महीने में मैं आपके लिए लेके आई हूं इफ्तार स्पेशल चिकन चीज़ी पॉकेट। ये बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाती है और मैं इसे आपको फ्रीज करने का तरीका भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चिकन ब्रेस्ट का हाफ पीस ले लिया है और वज़न में ये होगा करीब 250 ग्राम। तो पहले इसके बड़े बड़े पीसेस कर लेते हैं। और अब इसे हम बॉईल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये चिकन ब्रेस्ट के पीसेस। ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 ग्लास पानी, 1/2 ग्लास। अब इसे ढककर हम पकाएंगे चिकन गलने तक। तो अब देखिए चिकन हमारा बॉईल हो रहा है, तब तक यहाँ पे मैं सब्जियों को कट कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 बड़ी साइज की शिमला मिर्च, ये होगी करीब 100 ग्राम। 100 ग्राम के करीब गाजर ले ली है और 100 ग्राम के ही करीब ले लिया है पत्ता गोभी। और यहाँ पे मैंने ले ली है 15 से 20 कली लहसुन की। तो ये सारी चीज़ें मैं कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ भी कट कर ली हैं। अभी देखिए सारा पानी सूख गया है, चिकन भी हमारा बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब गैस ऑफ करते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं और उसके बाद मैं इसको हाथों से इसके रेसे अलग अलग कर लूंगी, यानी कि इसे श्रेड कर लूंगी। ये देखिए चिकन को मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया है। और यहाँ पे ले लिया है मैंने एक पैन, गैस ऑन करेंगे। इसमें ऐड करते हैं 2 बड़े चम्मच जितना तेल। ये देखिए इतना तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। और अभी हमने लहसुन को बारीक काट लिया था तो इसको ऐड कर देते हैं इस तेल में। ये देखिए लहसुन हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है तो इस स्टेज पे ऐड करते हैं जुलियन कटी हुई गाजर, कैप्सिकम और कैबेज भी ऐड कर देंगे। और सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पे ही कुक करना है 2 मिनट के लिए। अगर लो फ्लेम पे करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, सब्जियों को हमें क्रंची ही रखना है। ये देखिए 2 मिनट हो चुकी है तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून और अब इसमें मैं ऐड करती हूँ 2 टीस्पून रेड चिली सॉस। ही विनेगर और अब ऐड करते हैं 2 टीस्पून केचप। अब ऐड करते हैं 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और साथ ही साथ ऐड कर देंगे श्रेडेड चिकन। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम पे ही 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए।
अब इसमें ऐड करती हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक चिकन बॉईल करने में भी मैंने ऐड किया था और सारे सॉसेस में भी था, तो इसलिए आप अपने हिसाब से ऐड करना। मिक्स करेंगे। गैस ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्वीट्स की समोसा पट्टी ले ली है। और अब जब भी ये समोसा पट्टी यूज करो तो इसको पहले फ्रीजर से 2-3 घंटे के लिए निकाल लेना, वरना ये होगा कि अब जब निकालोगे तो ये टूट सकती है। ये देखो मैंने 2 घंटे पहले बाहर निकाल ली थी और बड़ी आसानी से ये अलग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून मैदा। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और मिक्स करके इसकी लई बना लेंगे। एक समोसा पट्टी को ऐसे रखेंगे, सेंटर में लगा देंगे थोड़ी सी लई जो हमने मैदे की तैयार की है, और दूसरी पट्टी को ऐसे सेंटर में रख देंगे। अब 1 चम्मच भर के इसके बीच में रख देंगे स्टफिंग। और यहाँ पे मैंने मोजरेला चीज ले लिया है, आप चाहो तो चीज की स्लाइस भी ले सकते हो। तो इसके ऊपर हम रख देते हैं मोजरेला चीज। चीज बहुत ज्यादा मत रखिएगा वरना फ्राई करते टाइम ये फट के बाहर आ सकता है। बस इतना ही चीज रखेंगे। तो पहले यहाँ पे लई लगा लेते हैं ताकि फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी ये खुले नहीं तेल में। और इसको पहले ऐसे कर देते हैं बंद। और ऐसे ही सामने वाला हिस्सा भी लई लगाकर बंद कर देंगे। और अब ये लास्ट वाला। बस ऐसे थोड़ा सा अंगूठे से दबा देना है। तो ये एक पॉकेट हमारा तैयार हो गया है और इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूंगी। देखिए मैंने सारे चिकन चीजी पॉकेट तैयार कर लिए हैं और इसको कैसे स्टोर करते हैं यानी कि फ्रीज करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि एक दूसरे से ये आपस में चिपके नहीं। तो चलिए इसे रख देती हूँ मैं फ्रीजर के अंदर 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट हो चुकी है और बहुत अच्छे से हमारे पॉकेट सेट हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये जिपलॉक बैग है, आप चाहो तो इसे एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हो। तो एक बारी में आपको जितने फ्राई करने हैं उतने ही आप एक पैकेट में रखना। तो बस मैं एक बारी में इतने फ्राई करूंगी इसलिए मैं एक पैकेट में इतने ही रख रही हूं। तो मैंने 5 पीस रख दिए हैं। एयर अच्छे से निकाल लेनी है इसमें से।
ये देखिए एक पैकेट हमारा तैयार हो गया है और इसे आप फ्रीजर में रख के एक महीने तक खा सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो देखिए दो पैकेट मैंने तैयार कर लिए हैं और अब इसे मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है और एक कढ़ाई में जितना है उतने पॉकेट हम इसमें ऐड कर देंगे। कढ़ाई में ज्यादा ट्रैफिक मत कीजिएगा, बस तीन पॉकेट इनफ है। तो पहले हम तीन फ्राई कर लेंगे। इसे पलट लेते हैं तो देखिए एक साइड से बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, तो दूसरी साइड से भी ऐसे ही पलट के फ्राई कर लेंगे। और इसे फ्राई करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये एक साइड से फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए दूसरी साइड से भी बढ़िया फ्राई हो गए हैं। तो बस इसे निकाल लेते एक प्लेट में। और इसी तरीके से बाकी के भी मैं फ्राई कर लूंगी। तो ये लीजिए तैयार है हमारे मजेदार से चिकन चीजी पॉकेट। तो मैंने आपको इसे बनाना भी बता दिया और फ्रीज में कैसे स्टोर करते हैं वो भी आपको बता दिया। और हाँ, आप इसे फ्रीजर में रख के एक महीने तक स्टोर करके खा सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको तोड़ के भी बता देती हूँ। ये देखिए मजेदार इसका लुक। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये स्क्रीन पे दिखने वाली वीडियो भी क्लिक करके जरूर देखते जाना।